हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। सही है, तो चलिए आज के इस वीडियो में फटाफट हम लोग एक खूब अच्छा प्रॉब्लम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेंस मिरर कॉम्बिनेशन पर आधारित है और हम लोग इसमें मैग्निफिकेशन की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की ये उलझन होती है कि उसमें वो रे डायग्राम प्रॉपर नहीं बना पाते हैं, और रे डायग्राम प्रॉपर नहीं बना पाते हैं तो फिर साइन कन्वेंशन में वो फंस जाते हैं। साइन कन्वेंशन में फंस गए, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, पक्का वो गलत होगा। तो आज हम लोग एक खूब अच्छा लेंस मिरर कॉम्बिनेशन विथ एन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन समझने और समझाने के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, और जो स्टूडेंट इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं वो बिल्कुल बाकायदा इसको एकदम ऐसे समझ लेना है कि इसको पूरा सीख ही लेना है। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि और जो वीडियो बनेंगे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी इस प्रॉब्लम को बनाते हैं, लेकिन समझते हुए पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, आइए क्या है क्वेश्चन देखिए। एल इज अ लेंस, वो देखिए दिख रहे हैं। एल इज अ लेंस सच दैट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्जेस टू अ पॉइंट डिस्टेंस एक्स, एक्स पे समेट देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि लाइट को समेटने के लिए, ध्यान देना, लाइट को समेटने के लिए। ठीक है, तो समेट देने का मतलब कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस का मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस, ध्यान देना, फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस विल बी इक्वल टू प्लस एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं? उसके बाद तो हमने चुन लिया कॉन्वेक्स, वो फिगर बना हुआ नहीं था लेकिन जगह मेरे पास कम थी इसलिए हमने फिगर बना दिया। देखिए उसके बाद फ्रॉम इट एंड एम इज अ मिरर सच दैट पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट कन्वर्जेस, तो पैरेलल बीम को कन्वर्ज कर दे। पैरेलल बीम को कन्वर्ज करने की खूबी किसके पास? कन्वर्जिंग मिरर के पास। ठीक है, तो उसने कहा कि ये कन्वर्ज जहाँ पे करता है तो फोकस होगा, तो फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर विल बी इक्वल टू वाई। ये भी बात सच है, तो ऐसे मिरर का फोकल लेंथ, जैसे कि ये देखिए फोकल लेंथ दिस विल बी इक्वल टू, ये ऐसे फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर दिस विल बी वाई। इसके आगे देखिए, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि उसको ऐसे अरेंज किया गया। अरेंज ऐसे किया गया कि इस लेंस के 2x डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा रखा गया? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो उसकी चर्चा नहीं की गई थी, उसको डिस्कस कर दें। देखिए वो ऐसे था, इस तरह से ऐसे। ठीक है, तो उसकी हाइट आप कुछ भी मान सकते हैं, से 2 cm, से 1 cm, जिस जो आपकी इच्छा हो, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा था? एक्सटेंडेड। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन ने कहा फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज दैट विल बी सीन बाय एन ऑब्जर्वर लुकिंग टुवर्ड द मिरर थ्रू द लेंस, इधर से जो उसको देख रहा हो वो कैसा बनेगा, तो इसका इमेज कैसा होगा आपको ही बताना है। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग बनाने के पहले ये जरूर दिखा दें कि यहाँ से ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा था डिस्टेंस 2x था, और इसके पीछे जहाँ पर कॉनकेव मिरर था वो डिस्टेंस था 2 × x + y, इतने पे था। तो हम लोग जल्दी से इस प्रॉब्लम को बनाना शुरू करते हैं। पहले लाइट रिफ्रैक्ट करेगा लेंस के थ्रू, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा, फिर जब लाइट लौट रहा होगा तो फिर से इसके साथ वो रिफ्रैक्ट करेगा। थ्री फेजेस में हमें काम करने हैं। पहले लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन, देन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन, देन अगेन जब लाइट बीम लौट रहा होगा तो लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन। यहाँ तक बात सही है? चलिए शुरू करते हैं, आइए। तो पहला पार्ट रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, तो जो पहला पार्ट है पार्ट वन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम नोरे डायग्राम भी बनाएंगे, साइन कन्वेंशन का भी प्रॉपर ध्यान रखेंगे और बड़े इत्मीनान से इसको समझेंगे भी। तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रो कॉन्वेक्स लेंस। चलिए शुरू करते हैं। वन बाई वी माइनस वन बाई यू विल बी इक्वल टू वन बाई एफ। ओके, तो वन बाई वी नहीं पता, माइनस वन बाई यू अच्छे से पता है, 2x, तो पीछे है तो माइनस एक्स, और वन बाई एफ ये कितना हो गया? प्लस एक्स। तो वन बाई वी प्लस वन बाई टू एक्स विल बी इक्वल टू वन बाई एक्स,
1 माइनस 2x विल बी इक्वल टू 1 बाई 2x, देन भी विल बी इक्वल टू 2x प्लस 2x। आपने देख लिया, अगर इसकी हाइट सपोज ऐसे h ऐसे मान लेते हैं, ऐसे h मान लिया जाए, ठीक, तो अब इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो कैसा होगा, तो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड m1 विल बी इक्वल टू, जो पहला हुआ हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू v बाई u। तो पहले तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो खुद कितना था, प्लस h, विल बी इक्वल टू v बाई u, तो v कितना मिला, प्लस 2x बाई यू, यू खुद कितना, फिगर देखिए, माइनस 2x, ये टर्म कैंसिल हो गया, एंड हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू कितना मिला, माइनस h, तो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू हमें मिला माइनस h, ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। तो हम लोगों ने तो इतना ज़रूर समझा कि अगर यहाँ पे से ऐसे 2x है तो थोड़े समय के लिए आप समझ लीजिए ऐसे कि से यहीं पे, से ऐसे, ये ऐसे, से ये ऐसे, ठीक है। अब रे डायग्राम कैसे बना होगा, यहाँ तक तो हम लोग सीख ही लेते हैं। चलिए आइए देखिए रे डायग्राम, पहले हम लोग यहाँ से एक बीम को ऐसे लेके जाते हैं, ले गए, और एक बीम हम लोग यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे, ये ऐसे डबल एरो रहा होगा, ये ऐसे डबल एरो, तो से इस तरह से ऐसे, ये डबल एरो, ठीक। अब यहाँ से आने के बाद ये ऐसे कट किया होगा, ये ऐसे कट किया होगा, ठीक है। तो हमने सिंगल एरो को भी दिखाया, ज्योमेट्री फेयर होनी चाहिए, ये लेंथ जो है, ये लेंथ भी कितना पाया गया, दिस लेंथ इज 2x, दिस लेंथ इज 2x, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 2x प्लस 2y में से लेस हो गया, तो ये लेंथ कितना बचेगा, ये लेंथ बचेगा 2y, बोलो हाँ या ना। अब ये जो बना रियल इमेज इस ऑब्जेक्ट का, वो काम करेगा इसके लिए कैसा, जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट। तो आप बोलेंगे दूसरा काम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू मिरर, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट थ्रू मिरर, ये हम लोग कर रहे हैं डिस्कस। आइए शुरू करते हैं, तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू विल बी इक्वल टू 1 बाई एफ ऑफ मिरर, ओके। तो 1 बाई वी हमें नहीं पता, 1 बाई यू हमें अच्छे से पता है, 2y इस साइड है तो निगेटिव होगा, तो ये हो गया माइनस 2y, फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर माइनस में, सेंटर तो इधर ही है ना, फोकल लेंथ भी इधर, एंड माइनस फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू माइनस y, तो 1 बाई वी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1 अपॉन y विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2y। तो देखिए, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन गया। अब ये देखना है कि कैसा बनेगा, इरेक्ट, इन्वर्टेड, कैसा बनेगा। तो हम लोग फिर से इसके लिए काम कर लें, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो हाइट ऑफ इमेज तो हमें नहीं पता, लेकिन ये तो हमें अच्छे से पता है, ठीक है, वो कितना पता है, माइनस एच, चूँकि ये नीचे है तो हम लोग बोलेंगे ऐसे माइनस एच, कोई दिक्कत नहीं। विल बी इक्वल टू माइनस भी, तो भी की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए भी की वैल्यू कितनी है, 2y माइनस साइन के साथ, तो ये हो गया माइनस, ये फिर से माइनस 2y बाय u, u खुद कितना, तो ये फिर से 2y पीछे है तो फिर से माइनस, तो ये हो गया माइनस 2y। देखना, माइनस माइनस प्लस, और ये ऐसे, ये पूरा लेंथ ऐसे, हाइट ऑफ इमेज विल इक्वल टू प्लस एच, वाह रे वाह। अब देखिए तो डायग्राम यहीं बन गया, ये देखिए इसका इमेज ऐसा ही बन गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट था इसका इमेज वहीं पर बन गया, और ठीक उतना ही हाइट ऐसे ऊपर बना। अब डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं, ज़रा देखिए, एक बीम हम लोग ऐसे सीधा लेते हैं, ठीक, लिया हमने, और एक बीम ये ऐसे, तो अगर ये पैरेलल बीम हो तो कहाँ से कट करते हुए, फोकल लेंथ से कट करते हुए, और फोकल लेंथ है कितना, वाई, ये खुद 2y, तो इसके हाफ से ऐसे दिखेगा, इसको आप ऐसे दिखाना है, ये समथिंग समथिंग इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ से सिंगल एरो तो चला गया, और डबल एरो जो होगा, यहाँ से जो डबल एरो जाएगा वो यहीं पे आना चाहिए,
ठीक है, कैसा इमेज बना, रियल इमेज बना, यहाँ तक बात सही है। अब ये जो बना तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया उसका पहला इमेज, इसका इमेज फिर यहाँ बना। अब क्या होगा, अब लाइट यहाँ से वापस बैक जा रही होगी, तो अब इधर वाला डिस्टेंस निगेटिव, इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव। अब लेंस के लिए लाइट को अब निकालना है, वापस निकालना है, तो थर्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द लेंस, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द लेंस। ठीक है, जब रिटर्न हो रहे होंगे वापस तब, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरफ निगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो 1/v माइनस 1/u विल बी इक्वल टू 1/f लेंस के लिए। तो 1/v बिल्कुल नहीं पता, वो माइनस 1/u अच्छे से पता है। यहाँ से ये डिस्टेंस माइनस टू एक्स 1/ फोकल लेंथ प्लस, और फोकल लेंथ कितना, प्लस एक्स। ठीक है, तो 1/v माइनस माइनस प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, तो 1/x माइनस 1/2x विल बी इक्वल टू 1/2x, तो v विल बी इक्वल टू कितना हो गया, 2x प्लस में आया। ठीक, तो इसका मतलब है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन गया। अब देखना ये है कि इमेज कैसा बना, इरेक्ट बना, इन्वर्टेड बना, मैग्नीफाइड बना, क्या हुआ, तो उसकी चर्चा हम लोग कर लें। देखिए मैग्नीफिकेशन, ये तो मैग्नीफिकेशन टू था, ये मैग्नीफिकेशन फर्स्ट, ये हो गया मैग्नीफिकेशन टू एंड लास्ट मैग्नीफिकेशन थ्री, M3। हाइट ऑफ इमेज हमें बिल्कुल नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें अच्छे से पता है, प्लस एच, हम लोगों ने देखा था यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू, ये देखिए इधर आएगा प्लस एच, तो ये हो गया प्लस एच विल बी इक्वल टू वी बाई यू, तो वी तो हमें पता है 2x बाई यू, यू खुद कैसा, तो यू खुद कैसा, माइनस 2x, तो ये हो गया माइनस 2x। कहने की बात नहीं, आप समझ गए, हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू, ये टर्म कितना हो गया, माइनस एच। ठीक है, माइनस एच का मीनिंग क्या हुआ, बनेगा तो 2x पर ही, माइनस एच का मीनिंग हुआ इस तरह से बैक वहीं पे, तो ये हो गया फाइनल इमेज ये वाला। अब बोलेंगे सर फाइनल इमेज कैसे बनाइएगा, तो एक लाइट बीम ऐसे दिखाइएगा, ऐसे होते हुए दिखाया, एक लाइट बीम हम लोग ठीक इसी पे इसके सामने लेंगे, क्योंकि ये तो हमने देखा ही है, ये हमने देखा ही है ऐसे, ठीक, यहाँ से एक ऐसे, और ये जो बीम है ना यहाँ से ऐसे जाएगा, और फोकल लेंथ होते हुए, फोकल लेंथ कितना है, प्लस एक्स, तो फोकल लेंथ होते हुए ये ऐसे वापस, ये देखिएगा यहाँ से ऐसे फोकल लेंथ होते हुए, आप समझने की कोशिश करिएगा ऐसे, तो एक बीम यहाँ से चला गया ऐसे, ठीक, और यहाँ से जाने के बाद ये ऐसे, और ये डबल एरो सीधा इस पार से इस पार। ठीक है, हमने क्या देखा, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन देखने में लगा, डायग्राम भी हमने प्रॉपर बनाया और एक सिलसिलेवार ढंग से बनाया। हमने ये देखा कि इस अरेंजमेंट के साथ जहाँ पे ऑब्जेक्ट था ठीक वहीं पर इमेज बना। ठीक है, मैग्नीफिकेशन जस्ट माइनस वन, ऑब्जेक्ट जितना ऊँचा था वहीं पर इमेज ऐसे झुक गया, उतना ही चला गया नीचे। ठीक है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज भी बना। ठीक है, तो आपने इसको देखा थ्री फेजेस में काम करने, पहले रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, फिर रिफ्लेक्शन, और जब लाइट बीम लौट रहा होगा तो फिर से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें ध्यान रखना है कि लेंस के इस तरफ वाले को हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव, और इधर वाला पॉजिटिव, जब इधर से ऐसे लाइट बीम जा रही थी ऐसे, जब बैक हो रहे होंगे तो इसके इस साइड देखिएगा ऐसे, तो इस तरफ निगेटिव और इस तरफ कैसा, पॉजिटिव, इसके इस तरफ, ये देखिए इसके इस तरफ लाइट का आना ऐसे हो रहा था, इसके इस तरफ निगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को बनाते हैं। रटने की कोशिश नहीं करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि सर ने इसको कैसे बनाया। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो इस फ़ोन नंबर पर आप सीधे कॉल कर सकते हैं, और वीडियो आपको कैसा लगा, इसको सुझाव, इसके सलाह बिल्कुल आप भेजिए, और जो कुछ भी दिक्कत होगी हम उसको बताने की भरपूर कोशिश करेंगे, और हम लोग बताते भी हैं, बच्चे पूछते रहते हैं, हम लोग बिल्कुल उसको डिस्कस करते हैं। जनरली बच्चे व्हाट्सएप करते हैं, फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे बनाते हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। ओके।